कौन है सुदामा? तो भगवान के बचपन का मित्र। और जानते हो भगवान का मित्र नाम सुदामा है। उज्जैन की सांदपनी गुरुकुल पर पढ़ते हैं, ऋषि हैं सांदपनी। पूज्य सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं। भगवान भी जब गुरुकुल पर पढ़ने के लिए गए तो भगवान गुरुकुल पर पढ़ने के लिए जब गए तो वहां सुदामा जी से भेंट भई। कुछ नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा निकल गया होगा, इधर देखो। कथा जरूरी है कि उधर देखना जरूरी? तो हम भी देख ले। समय बीत रहा है, परीक्षित मुक्त होने जा रहा है। सुदामा जी की भेंट भगवान से जानते हो बचपन पर जंगल पर हुई। एक दिन सुदामा जी जंगल पर लकड़ी काटने गए और जब लकड़ी काटने श्री सुदामा जी महाराज गए तो लकड़ी काटते काटते सुदामा जी ने गट्ठर बड़ा कर लिया। बड़ा गट्ठर हो गया श्री सुदामा जी का। माथे पर गट्ठर को चढ़ाया सुदामा जी महाराज ने और सुदामा जी महाराज उस गट्ठर को चढ़ा करके लेकर के जाने लग गए। सुदामा जी महाराज गट्ठर को लेकर चले, जंगल पर सुदामा जी के चरणों पर एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभा तो सुदामा जी को पहले तो पता नहीं चला, पहले नहीं जान पाए सुदामा जी की पैरों पर कांटा पड़ा। दो चार कदम और चले तो भाई कांटा तो अंदर चुभ गया। असहनीय पीड़ा सुदामा जी को, माथे पर गट्ठर है, कौन निकालेगा, रक्त निकलने लग गया। चिल्लाने लग गए सुदामा जी, कांटा विष को फैला रहा है शरीर पर। अरे कोई है मेरे, मेरी रक्षा करो, ये प्राणों को घात करने वाला दर्द दे रहा है। कोई है जंगल में जो मेरी रक्षा करेगा? भगवान भी उसी जंगल पर लकड़ी काटने गए थे गुरुकुल में जब थे। भगवान ने सुदामा की आवाज सुनी, परिचय गुरुकुल पर था, मित्रता नहीं थी, लेकिन सुदामा की आवाज सुना तो भगवान तुरंत दौड़ करके आए। सुदामा के मस्तक से वो गट्ठर को उतारा भगवान ने। कहने लगे, मित्र रो मत, रो मत सुदामा, असहनीय पीड़ा के कारण रुदन कर रहे थे। बालक है, उम्र तो बड़ी नहीं भाई, अभी 7.5 वर्ष के हैं भगवान और सुदामा। सुदामा जी रो रहे, जी ये कांटा मेरे प्राणों को ले लेगा। भगवान ने सुदामा जी को बैठाया शिलाखंड पर, हाथों से कांटे को निकालने लग गए, लेकिन कांटा चलने के कारण सुदामा जी के पैरों पर अंदर तक प्रवेश कर गया। कैसे निकलेगा जानते हो? द्वारिकाधीश की लीला है ये। भगवान ने सुदामा जी के पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ करके अपने दांतों से कांटे को पकड़कर खींच कर बाहर निकाला। रो रहे हैं सुदामा जी, आंसू पोंछे और कहने लग गए, देखो भाई मैं आज से तुम्हें मित्र बोल रहा हूं, ध्यान रखना सुदामा, मैं किसी को मित्र नहीं बनाता, लेकिन तुझे मित्र बनाया है। और मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण कभी भी अपने सखा और मित्र को रोता हुआ नहीं देख सकता।
इसलिए ध्यान रखना सुदामा, अब जीवन में कभी रोना नहीं। याद रखना जिस दिन सुदामा तू रोक देगा ना, उस दिन ये कन्हैया रो देगा। गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा तो हो गई बड़े प्रेम से पूरी भई शिक्षा दीक्षा। भगवान इधर द्वारिकाधीश कहला गए, भगवान द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा जी ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी संतोषी ब्राह्मण। जानते हो श्री सुदामा जी महाराज सदाचारी हैं, संतोष को धारण करते हैं, गोविंद के भक्त हैं। भिक्षा मांग करके ही जीवन को चलाते हैं, पांच घर से अधिक घरों पर भिक्षा नहीं मांगते। जिस घर पर आज ले लिया उसके पास दोबारा नहीं जाते। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। किसी ने दिया तो गोविंद की कृपा है, उनकी इच्छा है कि ठाकुर का भोग लगे। और जिस दिन सुदामा को कुछ नहीं मिलता तो कहते कि भगवान चाहते कि आज भी एकादशी का व्रत ही मैं करूं। जल मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, इसको संतोष कहते। मिला तो बढ़िया, ना मिला तो बढ़िया। जानते हो भगवान के भक्त को संतोषी होना चाहिए और संतोषी ही सुखी रहता है। संसार की कामनाएं तो देखो समाप्त तो नहीं होने वाली है, और संसार तो कामनाओं से भरा हुआ है। ये चाहिए, फिर ये भी हो जाए, फिर ऐसा भी हो जाए, फिर वैसा भी हो जाए, फिर ऐसा भी हो जाए, वो भी मिल जाए, और वो उसके अलावा वो भी हो जाए, और फिर इसको पाने इसके लिए उसको पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, और परिश्रम कभी लक्ष्य को ना ले जाए तो उदास हो जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त संतोषी होता है, संतोष को धारण करता है। मिला तो बढ़िया, ना मिला तो भगवान ही चाहते नहीं मिले। लेकिन जानते हो भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं रखना चाहते। इसलिए जीवन में जो हो रहा है भगवान हमारे लिए हित कर रहे हैं, और जो हमारी इच्छा होते हुए नहीं मिल रहा है वो भी भगवान ने हमारे लिए हित के लिए ही किया। यही भासो, यही विचार करो। सुदामा जी महाराज को प्रसाद मिले तो गोविंद की कृपा, ना मिले तो गोविंद की कृपा। भगवान सोचने लग गए सुदामा के ऊपर कृपा की कैसे जाए, क्योंकि सुदामा मेरे से मांगता ही नहीं है, कभी बोलता नहीं है। बहुत दुख है श्री सुदामा जी का, झोपड़ी भी व्यवस्थित नहीं है। विवाह हुआ, चार बच्चे हैं, सुदामा जी के बच्चे भी व्रत कर लेते हैं। पत्नी सुशीला परम संतोषी। भगवान आ गए परीक्षा लेने के लिए, भेष बदला। आज सुदामा जी घर पर नहीं है और सुदामा जी के घर पर भी भैया कुछ नहीं है। भगवान भेष बदल करके आए, भिक्षुक बन गए। दरवाजे पर भगवान आकर गेट खटखटाया, कुछ यदि है तो दे दो, अब चलने का सामर्थ्य नहीं बचा, प्राण तो मानो छूटने वाले हैं। सुशीला निकली, दरवाजे पर देखा ब्राह्मण आया है। अरे आज ब्राह्मण के दरवाजे ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण देवता कहने लग गए, जो भी है वो दे दो ना माता, कुछ भी है वो दे दो। सुशीला झटपट अंदर गई, बर्तनों को पात्रों को खोलकर देखा, कुछ है? घर पर कुछ भी नहीं है। चार दिन से तो सुदामा जी महाराज भी कुछ लाए नहीं, जो बचा हुआ था वो भी हमने गोविंद को भोग लगा करके समाप्त कर दिया। सुदामा की पत्नी सुशीला बिचारी रुदन करने लग गई,
हमारे भाग्य फूटे हैं। एक तो हम भिखारी, ऊपर से हमारे दरवाजे जब कोई भिक्षुक आया, हमारे पास इतना भी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी को कुछ भोजन करा पाए। हम भगवान से प्रार्थना करते, साधु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। लेकिन श्री सुदामा जी की पत्नी बड़ी उच्च विचार की है, भगवान से अपने लिए नहीं मांगती है। आज भगवान की प्रतिमा के हाथे सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए या ना समाए, मैं भले ही भूखी रह जाऊं पर दरवाजे से साधु कभी भूखा ना जाए, इतना तो प्रभु दे दो। हमारा पति जानते हैं कभी कुछ नहीं मांगेगा आपसे, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे परिजनों के लिए भी नहीं चाहिए। हम भूखी सो सकती हैं, हम अपने बच्चों को जल में नमक और चीनी मिलाकर पिला सकती हैं, लेकिन प्रभु पहली बार कोई भिक्षुक आया वो भी भूखा रह रहा है। बेचारी दुख के कारण दोबारा दरवाजे पर नहीं गई सुदामा जी की पत्नी, क्या करने के लिए जाए, क्या बताएगी सुदामा जी की पत्नी। और भाई ये तो भगवान की माया थी, सुदामा जी आए तो सुदामा जी की पत्नी बेचारी उदास है, कमरे पर रो रही। सुदामा जी ने कहा क्या हुआ, कहने लग गए हुआ क्या, आज पहली बार प्रतीत हुआ कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुदामा जी कहने लग गए ऐसे नहीं बोलते, हमारे पास गोविंद है, कहां गरीब है, और जिसके पास गोविंद है वो गरीब है। अरे गोविंद की तो पत्नी ही लक्ष्मी है, जब गोविंद है तो हमारे पास लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जिसके पास है वो तीनों लोकों का स्वामी है। मूर्ख, हमारे पास सब कुछ है, गोविंद की भक्ति है तो सब कुछ है। सुदामा जी की पत्नी कहने लग गई, देखो ये मन को सांत्वना देने की बात है, मैं आपसे आज तक कुछ नहीं मांगी, मैं आज आपसे निवेदन करती हूं, आपका बचपन के मित्र श्री द्वारिकाधीश भगवान है, आप कम से कम उनके पास जाकर एक बार याचना तो कर लो। सुदामा जी कहने लग गई, खबरदार आज के बाद ये बात मत करना, सुदामा मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन द्वारिकाधीश के सामने संसार की कामनार्थ कभी याचना नहीं करेगा। सुशीला कहने लग गई, आप यदि याचना नहीं करोगे तो घर का भिक्षुक आया वो बेचारा खाली हाथ गया, इससे बड़ा पाप क्या हमारे जीवन पर लगेगा, और यदि आप मांगना नहीं चाहते हो ना तो आप जाति से ब्राह्मण हो, भगवान द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, उनके दरवाजे केवल आप मिलने के लिए चले जाओ तो वो ब्राह्मण धर्म को मानते हुए आपको दान दे देंगे, कम से कम वो प्राप्त हुई कुछ दान की राशि से हम ब्राह्मण सेवा करेंगे, साधु सेवा भिक्षुकों को कुछ दे पाएंगे, दर्शन की अभिलाषा से चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, यदि तू दर्शन अभिलाषा से भेज रही तो मैं जाता हूं, लेकिन सुशीला भगवान के दरवाजे खाली हाथ नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, साधु मंदिर कभी भी जाओ, साधु के पास और मंदिर जाओ भगवान के पास, तो खाली हाथ मत जाना बंधु, कुछ तो हाथ पर हो, पैसा ना हो तो फूल ही सही, और फूल भी ना लेने का सामर्थ्य हो तो हाथ पर अपने हथेलियों पर श्रद्धा की अंजलि लेकर के जाना, खाली हाथ मत जाना भगवान के पास। सुदामा जी की पत्नी तीन घरों पर भिक्षा मांगी, तीन मुट्ठी चावल, वो भी कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं कोई टूटे हुए हैं। अपनी एक साड़ी निकालकर सुदामा जी को दे दी, आप ये धोती पहन लो, ये थोड़ी ठीक ठाक सी है,
वो द्वारिकाधीश है, ऐसा फटे पुराने वस्त्रों पर जाओगे तो लोग हंसेंगे। पोटली पर बांध दिया चावल, सुदामा जी महाराज चल पड़े। थक गए बेचारे, आयु वृद्ध है, भोजन न करने के कारण शरीर दुर्बल है। वट वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम किया। सुदामा जी महाराज जब विश्राम किए तो जानते हो, विश्राम के फल स्वरूप जब नेत्र खुला सुदामा जी का, तो सुदामा जी ने देखा, मैं तो द्वारिकाधीश के महल पर पहुंच गया, मैं द्वारिका पर पहुंच गया। लोगों से पूछा, ये कौन सा नगर है? तो बोला, ये तो द्वारिका नगर है। कहां है द्वारिकाधीश? किधर है द्वारिकाधीश का महल? और द्वारिकाधीश के महल का पता पूछने लग गए, कोई घनश्याम से कह दो। और द्वारिकाधीश के महल का पता करने लग गए, दरवाजे पर आए तो द्वारपाल मिल गए। द्वारपालों को कहने लग गए, देखो द्वारपालों, द्वारिकाधीश भगवान हमारे बचपन के मित्र हैं। हंसने लग गए द्वारपाल, मित्र तुम्हारे? संभव नहीं है, चलो जाओ जाओ ब्राह्मण यहां से, भिक्षा मांगना है तो भीख देने का समय द्वारिकाधीश ने इतने बजे का रखा, उसी समय आना आप। द्वारिकाधीश भगवान से मिलना है, कुछ मैं लेने नहीं आया, केवल दर्शन करने आया। उनसे जाकर के तो कह दो कि उनका मित्र आया है, यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन, वही अधिकार है मेरा, वही अधिकार है मेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन हम, वही अधिकार है मेरा, वही अधिकार है मेरा। कहो घन श्याम से जाकर, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घन श्याम से जाकर, तुम्हारा
शरत पड़े पांव पर मेरे छाले हुई दुर्बल मेरी हालत पड़े पांव पर मेरे छाले। सुदामा जी महाराज द्वारपालों को कह रहे हैं कन्हैया को जाकर के कह दो हमारा केवल इतना ही अधिकार है कि मैं उनके बचपन का मित्र हूँ, मेरी हालत दुर्बल हो गई है, बड़े दिन से चल रहा हूँ, पैरों पर छाले पड़ गए हैं। हुई दुर्बल मेरी हालत पर निहारों कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले निहारों कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालो सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है, रहे हैं साथ कुछ दिन हम वही अधिकार है मेरा, वही अधिकार है मेरा, रहे हैं साथ कुछ दिन वही अधिकार है मेरा, वही अधिकार है मेरा, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। अभी अपने स्थान पे ही आप सब बैठो, हमको पता है सुदामा जी की झोली पर दान देते हैं लोग, अब चूंकि कथा कह दें तत्पश्चात फिर आप लोग सुदामा जी की झोली भरते रहना, चूंकि आज कथा के बाद अब जो जो आएंगे सामने उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मेरे कथा का नियम है कि अंतिम दिन हम सभी को आशीर्वाद रूप में एक एक पंचमुखी रुद्राक्ष देते हैं, तो अभी नहीं और 10 मिनट बाद जिनको जिनको लेना रहेगा वो इधर दाएं तरफ गेट से प्रवेश करेंगे, हम सामने ही बैठ जाएंगे, दाएं तरफ से प्रवेश करेंगे और बाएं तरफ से चले जाएंगे, लाइन से आकर बिना धक्का मुक्की किए प्रेम से एक लाइन से ही आएंगे, दाएं तरफ से और बाएं तरफ चले जाएंगे, ज्यादा प्रणाम वणाम न करना क्योंकि बहुत भीड़ है, लोग सब आएंगे तो वहीं फिर सुदामा जी की झोली रख देंगे, वहीं डाल देना जिसको जो डालना रहेगा। भगवान श्री सुदामा जी की सूचना को प्राप्त किए, देखो भाई सुदामा जी की कथा तो आपको ज्ञात ही है, सुदामा जी के चरित्र की कथा तो आप जानते ही हो, सुदामा जी को भगवान ने बुलाया, चरण धोए प्रेम से भगवान ने, भगवान ने सबको सब कुछ प्रदान किया फिर भी धरती पर अत्याचार बढ़ा, यदुवंशी अभिमानी हो गए, और श्री यदुवंशी जी महाराज जब अभिमानी हो गए तो भगवान ने सोचा मैं अब इस अपनी कला को विश्राम दूं, उससे पहले इनके अभिमान का भी नाश करना उचित है, इनके अभिमान को कैसे नाश करूं, बैठा दो, केवल बैठा दो, इनके अभिमान का नाश कैसे करूं, तो इनके अभिमान का नाश करना पड़ेगा, जानते हो भगवान के एक पुत्र थे जाम्बवती के पुत्र,
जामवती के पुत्र का नाम संब था, थोड़ा इधर कर दो आवाज नहीं आ रही, जामवती के पुत्र का नाम संब था। एक बार द्वारिका पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ और ऋषि दुर्वासा को आया देखा तो सोचने लग गए भगवान के ये पुत्र जो अभिमानी हो गए, भगवान के ये पुत्र सोचने लगे कि भैया अब दुर्वासा जी की परीक्षा ले लें ये त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं है। जानते हो संब स्त्री का भेष धारण किए अपने भाइयों के साथ चले गए दुर्वासा ऋषि को कहने लग गए, ऋषिवर ये हमारी पत्नी है गर्भवती है, बताओ इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, क्रोध को रोके रहे, कहने लग गए देखो हम तब मानेंगे जब आप सत्य सत्य बता दोगे, तब हम मानेंगे आप त्रिकालदर्शी साधु हो। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध पर श्राप दे दिया, तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, जाओ मैं सत्य सत्य बताता हूं, ये ना स्त्री है ये पुरुष है, नाम संब है, लेकिन मेरी परीक्षा लेना, तुम यदुवंशी अभिमानी हो गए, कृष्ण के पुत्र ऐसे नहीं हो सकते हैं, जाओ मैं श्राप देता हूं इसके गर्भ से मूसल का प्राकट्य होगा और तुम सब यदुवंशियों का नाश कर देगा। घबरा करके देखा पेट में कपड़े को निकाला तो उधर से मूसल का प्राकट्य हुआ। द्वारिका के राजा महाराज उग्रसेन जी को बताया, महाराज उग्रसेन जी ने कहा द्वारिकाधीश को मत कहना नहीं तो वो नाराज होंगे, क्या किया जाए। तो मूसल को घिस दिया पत्थर पर, घिस घिस करके नष्ट कर दिया, शेष बचे भाग को समुद्र पर फेंक दिया। मछली खा गई वो, फिर भील ने पकड़ी मछली को तो उससे तीर बनाया, उस एक एक कण से एरका नाम की घास निकली। यदुवंशी मदिरा का पान कर बैठे, द्वारिका नामक पवित्र स्थान पर मदिरा बनाव डाले। भगवान समझ गए ये द्वारिका पवित्र भूमि है, यहाँ ये मेरे पुत्र होते हुए अभिमानी हो गए, मति भ्रष्ट हो गई समस्त यदुवंशियों का, तो आपस में ही मार झगड़ करने लग गए। बात बढ़ी तो अस्त्र शस्त्र उठाया, भगवान बलभद्र ने भगवान को कहा प्रभु समझाओ ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। भगवान के मौन को देखकर समझ गए बलभद्र जी महाराज भगवान अपनी लीला विश्राम दे रहे हैं। तो श्री बलभद्र जी महाराज सरस्वती नदी पर प्रवेश करके अपने धाम को सेसा अवतार का रूप धारण करके चले जाते हैं।